देते मात्र सुरेख सामना एके बाजूला उसाटणे संघ तर एके बाजूला कोणी संघ या दोन संघामध्ये लढत चालू आहे. तर ऐकूया आमचे साथी समालोचक योगेश मडबे सिद्धी करवलेचा बुलंदाबाद ओटू नक्कीच मातृभाषेमध्ये योगेश मडबे यांना ऐकूया साथी समालोचक ओटू योगेश मडबे. थँक्यू सो मच आदेश, थँक्यू सो मच राहुल भोईर, सुभाष पाटिल, ओमकार शेट्टे, साईनाथ पाटिल, सभी का भी एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. बिल्कुल काफी बड़ी प्रतियोगिता सीएसके की टीम सिद्धि कर आयोजित राम की ग्रुप चेषक 2017 का पर्व. बिल्कुल आज का यह तीसरा दिन काफी बड़ी टीम है इस विधान के ऊपर. हम देख सकते हैं मलंगगढ़ विभाग से आई हुई टीम इस विधान के ऊपर है. बिल्कुल पहला मुकाबला जीता था उसाट निकल की टीम ने, दूसरा मुकाबला जीता था खूनी टीम ने, तीसरा मुकाबला कापरे सिद्धिपाली टीम और चौथा मुकाबला गावदी भी बसार टीम ने जीता था. बिल्कुल आज की आठ मुका आज टीम इस मैदान के ऊपर उतरी थी. बिल्कुल पहले सत्र का खेल समाप्त होता और बिल्कुल ये दूसरा राउंड का मुकाबला बीच मैदान के ऊपर पहला मुकाबला सेकेंड राउंड का गावदेवी उसाट ने विपक्ष श्री गणेश क्रिकेट टीम खोनी के बीच चलता हुआ मुकाबला. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, क्योंकि इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड श्री गणेश क्रिकेट टीम खोनी टीम ने बनाया था. 74 रन बनाने का इस मैदान के ऊपर बनाया था. बिल्कुल काफी बड़ा योगदान रहा था. पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी और बिल्कुल फिर एक बार कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय फील्ड के लिए आमंत्रित किया बीच मैदान के ऊपर इस बार गावदेवी उसाटन टीम को. गेंदबाज तैयार, पहले ओवर लेके आएंगे पावर प्ले में अमर हिलाल. बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से पहले मुकाबले में देखने को मिली थी और बिल्कुल कप्तान ने फिर एक बार अमर हिलाल के ऊपर भरोसा जताया. सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर अर्षद ठोमरे और दत्ता ठोमरे के बीच मैदान के ऊपर सलामी बल्लेबाज गेम ऑन. पहली गेंद और इस बार हट कर खेलना चाहते थे फाइन लेग की रीजन में, वहां पर खिलाड़ी शॉर्ट लेग की रीजन में खड़े थे मगर गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर अतिरिक्त रन के साथ 1+1 यानी कि अतिरिक्त रनों के साथ आगाज किया बल्लेबाजी का और इस समय अकाउंट को ओपन किया खोनी क्रिकेट टीम ने बीच मैदान के ऊपर. 5 ओवर का मुकाबला, थर्ड अंपायर बिल्कुल यहाँ पर तीसरे अंपायर की मांग की गई है. बिल्कुल बारह मड भी तीसरे अंपायर की भूमिका में होंगे. बिल्कुल अंपायर की भूमिका बिल्कुल इस मैदान के ऊपर मेन अंपायर है इस समय रवि पाटिल मैन फ्रॉम रोहिंगन और लेग अंपायर रविंद्र मडबी मैन फ्रॉम सिद्धिकरव लैब और तीसरे अंपायर की भूमिका में बारह मड भी मैन फ्रॉम सिद्धिकरव लैब. बिल्कुल काफी बड़ा योगदान सीएसके क्रिकेट टीम का. बिल्कुल 5 दिन की यह प्रतियोगिता और आज का यह तीसरा दिन, सभी का फिर एक बार स्वागत है. यूट्यूब के माध्यम दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, सभी का फिर एक बार स्वागत है. यानी कि प्राप्ति डिजिटल लाइव इनके प्रोप्राइटर है इस समय जीतू भोईर, जिनके माध्यम से यह प्रतियोगिता लाइव की जा रही है. और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला था पॉइंट के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद मगर एक रन को नहीं रोक पाया. एक रन के साथ दत्ता टोमरे ने अकाउंट को ओपन किया, टीम का स्कोर बनता हुआ बगैर विकेट के नुकसान पर 3 रन. काफी बड़ी प्रतियोगिता बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो हमारे भाई यहाँ पर है बिल्कुल हमारे सम्माननीय भास्कर दशरथ पाटिल इनकी तरफ से हमारे प्रदान की गई है मैन ऑफ द सीरीज के लिए. गेंदबाज फिर एक बार तैयार अमर, ये गेंद यहाँ पर फिर एक बार तिलक रत दिलशान की याद दिलाने वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी और गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर फिर एक बार अंपायर का बाइट का इशारा. 1+1 टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से 2 रन का इजाफा, टीम का स्कोर है 5 रन बगैर विकेट के नुकसान पर. बिल्कुल 61 भी है गेंद वाइड, यानी कि हम देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर स्कोरर की भूमिका. दूसरा यहाँ पर प्रोफेशनल स्कोरर हमारे साथ में है, जुड़ चुके हैं हमारे किरौली गांव के कुलशन पाटिल, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. बिल्कुल पहले दिन से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बिल्कुल अच्छी भूमिका हर गेंद की जानकारी देते हैं इस मैदान के ऊपर. यॉकलैंड की गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला दत्ता ठोंबरे ने, गेंद को रोका फेंके तब तक 1 रन का इजाफा, टीम का स्कोर बनता बा 21-6 के साथ, टीम का स्कोर बनता बा 6 रन विकेट के नुकसान पर. पावर प्ले का ओवर जिसमें 2 खिलाड़ी तीसरे गेंद के बाहर, आप देख सकते बिल्कुल एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ सीमारेखा के ऊपर है तो दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट सीमारेखा के ऊपर, यानी कि 2 ही खिलाड़ी तीसरे गेंद के बाहर. यह गेंद फिर एक बार खेलना चाहते थे बिल्कुल शानदार फील्डिंग अनिल डोपरी द्वारा. बिल्कुल एक बार तालियां होना चाहिए अनिल डोपरी के लिए जिन्होंने शानदार फील्डिंग की और बिल्कुल 3 रन को बचाया और 1 रन के साथ अंपायर सिग्नल वाइड. बिल्कुल यह वाइड 1+1 2 रन यानी कि 2 रन का इजाफा, फिर एक बार टीम का स्कोर बनता है इस विधान की बर्रा.
टीम का स्कोर है फुल स्कोर 8 रन बगैर विकेट के नुकसान पर है। बिल्कुल हम देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा खराब है, यानी कि इस समय हम देख सकते हैं बिल्कुल सेकंड पर बल्लेबाज टटोमरे जो कि सेकंड राउंड का पहला मुकाबला विश्व विद्यालय के ऊपर गाउदी विपसाट ने विपक्ष श्री गणेश क्रिकेट टीम खोनी के बीच छठा मुकाबला। ये गेम बिल्कुल अच्छी थी, गुडलैंड स्पोर्ट के ऊपर गेंद को फेंका और फेंकने के बाद यहां से बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट के बिल्कुल दूसरे में। बहुत देर के बाद यहां पर डॉटबॉल की समाप्ति, टीम का स्कोर अभी भी रुका 8 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर जिसमें गेंदबाजी कर रहे अमर हिलाल जो की अब तक थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी करते हुए ये गेंद कार्पेट के माध्यम से गेंद को खेला, शानदार स्ट्रोक, गेंद को लंगा फिनिशर में गेंद को खेला, वहां पर खिलाड़ी थे सिंगर के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और टीम का स्कोर बनता बा मगर विकेट के नुकसान पर 9 रन इक्का दुक्का के साथ रनों की रफ्तार बढ़ने की कोशिश है। मगर पावर प्ले में जो बल्लेबाजी चाहिए यानी कि जो कि खुलकर करने के मौका होता है चौके छक्के की काफी तलाश है इस समय, ना तो चौका छक्का अब तक पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय कोई टीम की ओर से। एक बार अनोखे अंदाज से खेलना चाहते थे, इस बार एक रन दूसरे की कोशिश में जब तक गेंद को सीली मैदान के ऊपर से खेला और ये ओवर थ्रो, वहां पर कोई बैकअप में खिलाड़ी नहीं था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 2+4 यानी कि इस गेंद के ऊपर 6 रन का इजाफा लेग बाय के स्वरूप में। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो ये 6 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से बिल्कुल 15 रन पहले पावर प्ले का सही फायदा उठा। बिल्कुल ये ओवर थ्रो के 4 रन यहाँ से मुश्किल पैदा हो सकती है मुकाबले में। ये गेंद फिर कर यहाँ पर पैड स्विप करना चाहते थे, बिल्कुल गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय गणेश क्रिकेट टीम का स्कोर इस मैदान के ऊपर 15 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू सर। तो बिल्कुल काफी बड़ी प्रतियोगिता, बिल्कुल क्रिकेट का हंगामा शुरू हो चुका है, यानी कि हम देख सकते हैं बिल्कुल 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को 9 जनवरी यानी कि राजारानी घोट इनके मैदान के ऊपर बहुत बड़ी प्रतियोगिता जिसमें प्रवेश भी रहेगी 11,000 रुपए पहला नंबर के लिए है, पर 1 लाख दूसरे नंबर के लिए 50,000, तीसरे नंबर के लिए 25,000, चौथे नंबर के लिए 20,000 और मैन ऑफ द सीरीज के रिप्रेजेंटर बेस्ट बैट्समैन फील्डर एंड गेंदबाज इनके लिए यहाँ पर कूलर रखा गया। बिल्कुल आप जिसको उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है तो बिल्कुल आप क्रिकेट टीम के संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल उसके बाद में सबसे बड़ी प्रतियोगिता नेवालीपाड़ा के मैदान के ऊपर होगी, काफी बड़ी प्रतियोगिता और बिल्कुल वहां पर प्रवेश भी 18,000 रुपए, पहले प्राइज 2 लाख, सेकंड प्राइज 1 लाख, थर्ड प्राइज 50 और फोर प्राइज 50,000 रुपए। मैन ऑफ द सीरीज के लिए वहां पर बाइक है बिल्कुल, और उसके बाद में कूलर बेस्ट बैट्समैन फील्डर एंड बॉलर के लिए गेंदबाज से या दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार फिर एक बार खेलना चाहते थे, बल्ला यहाँ पर लगा और दत्ता टोमरे के बाहरी कान, धोनी क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला झटका। काफी अच्छा संगीत डीजे मास्टर की तरफ से, क्योंकि पहले दिन में अच्छा संगीत बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज के संगीत, उसके बाद में साईं बाबा के संगीत इस मैदान के ऊपर आए थे और बिल्कुल ये 93वां ऐसा बल्लेबाज है जो कैच आउट के स्वरूप में आउट होता है इस मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर जाता है कोनी टीम की ओर से किरण मात्र, बिल्कुल पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली थी, बिल्कुल उम्मीद रखी थी और इस मुकाबले में भी उनके समर्थकों के द्वारा यही उम्मीद इस मैदान के ऊपर है। बिल्कुल मुकाबला काफी कष्ट भरा, दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ ये रंगीन मुकाबला। ये गेंद बिल्कुल, और इस बार अंपायर सिग्नल वाइड, अतिरिक्त रन का इजाफा, टीम का स्कोर बनता हुआ
16 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो इसी दरमियान हमारे उत्साह ने कहा कि सम्मानीय श्याम सेठ मात्रे उनका अभिभाषक भागमन होता है, उनसे विनती है कि आप आइए हमारे मंच के ऊपर। काफी बड़े अच्छे इंसान, बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर काफी प्यार है और काफी बड़ा इंसान जो कि हमारे उत्साह ने कि श्याम सेठ मात्रे इनका भी यहाँ पर शुभागमन होता है और उनका भी यहाँ पर स्वागत है। सीएसके क्रिकेट टीम सिद्धि करवले इनकी ओर से आपका स्वागत है, आपसे विनती है कि आप आइए हमारे मंच के ऊपर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल मुकाबला का को बात करेंगे तो टीम का स्कोर 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। पिछले मुकाबले में खूनी टीम ने 74 रन बनवाया था, बिल्कुल काफी बड़ा रन इस मैदान के ऊपर खड़े किए थे, हाई स्कोर इस मैदान का। लोकल टॉस की गेंद थी, बिल्कुल गेंद को खेला हल्के से कल्पर के माध्यम से, वहां पर खिलाड़ी थोड़ी सी गलती दिखाए, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज और दूसरा रन मुकम्मल पूरा किया। जहां पर एक रन थी दूसरा रन मुकम्मल पूरा किया, थोड़ी सी गलती दिखाई और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठा। देखा कि इस बार फील्डर थोड़े से खराब फील्डिंग दिखा रहे, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाते हुए ये दूसरा मुकम्मल पूरा किया। दो रन के साथ टीम का स्कोर रहा बनता हुआ 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये गेंद शॉट अंप करना चाहते थे, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर गेंद को फेंका, ऑन साइड के रीजन में बल्लेबाज खेलना चाहते थे, बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। तो बिल्कुल हमारे शर्मा सम्मानिया श्याम सेठ मात्रे उसाट ने और हमारे बुजुर्ग सुरेश सेठ पाटिल इनका भी यहाँ पर शुभागमन होता है। आप उनसे विनती है कि आइए हमारे मंच के ऊपर, आपका स्वागत है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए हमारे मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। काफी बड़ी हस्ती, बिल्कुल काफी बड़ी प्रतियोगिता और बिल्कुल मान्यवर का स्वागत हमारे मंच के ऊपर होता है। बिल्कुल कही आप मान्यवर हमारे मंच के ऊपर भी आते हैं। इसी दरमियान हमारे श्याम सेठ मात्रे और सुरेश सेठ पाटिल इनका शुभागमन होता है। एक बार तैयार, फिर एक बार दूसरा ऊपर प्रगति पर यहाँ पर खेलना चाहते थे, पॉइंट के रीजन से बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं आया क्योंकि गेंद गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर पड़ी, पड़ने के बाद थोड़ी सी टेकअप होती भी बल्लेबाज को चकमा देती भी, विकेट कीपर की दस्तानों में कोई रनों की गुंजाइश नहीं है। पहले पावर प्ले में बल्लेबाजी की थी कोहली क्रिकेट टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले पावर प्ले में 15 रन बनाया था, यानी कि इस बार इस ओवर में थोड़ा सा कमबैक देखने को मिल रहा है। इस बार देखना होगा बल्लेबाज के पारिकांत, बिल्कुल उम्मीद लगाई थी कि रन मात्र है, बैक टू द पवेलियन खोनी क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। काफी अच्छा संगीत डीजे मास्टर के द्वारा हमारे एक बार आएगा संगीत जो कि हमारे अग्री कोहली लोग बिल्कुल बात करेंगे तो यानी कि हर साल में कम से कम 3 या 4 बार एक किवरा के मंदिर के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल उन्हें याद दिलाते हैं। आज का दिन भी बहुत बड़ा है क्योंकि आज सोमवार का दिन है, बिल्कुल काफी बड़ी प्रतियोगिता, आज तीसरा दिन और बिल्कुल कल चौथा, और यानी कि हम देख सकते हैं बिल्कुल बुधवार के दिन इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन होगा। आना ना बोले दोस्तों क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता, कल भी आना ना बोला क्योंकि डोंबिवली विभाग से सबसे बड़ी टीम है कल इस मैदान के ऊपर होगी। इस मैदान के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे तो पहला मुकाबला होगा जो कि गौरीपाड़ा बनाम वाकलन, दूसरा मुकाबला खंबलपाड़ा विपक्ष न्यूज बिल्कुल यहाँ पर काफी अच्छी काफी बड़ा योगदान क्योंकि पहले दिन की बात करेंगे तो हमारे साथ में रिवॉल्व मात्रे यानी कि रिवॉल्व मात्रे ओबली गांव से इस मैदान के ऊपर हमारे मंच के ऊपर आए थे कमेंट्री बॉक्स में, और उसके बाद में आदेश आज राहुल भोई रहा और काफी अच्छा योगदान जो कि स्कोरर की भूमिका एक प्रोफेशनल स्कोरर अर्गिन की जानकारी देते हुए हमारे किरेवली गांव के गुलशन पाटिल उनका भी स्वागत करेंगे और संदेश पाटिल हमारे सिद्धिगढ़ के उनका भी हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। ये गेंद कट करना चाहते थे, बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी टेकअप होती भी बल्लेबाज को चकमा दिया, यहां से डॉट बॉल मजबूत स्थिति दिला सकती है क्रिकेट टीम को जो कि मैदान के ऊपर पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की।
बड़े टीम को सिकंदरा बात करेंगे तो कोनी टीम को कौन भूल सकता है जिन्होंने पहले मुकाबले में 74 रन बनाते 5 ओवरों में और शानदार पारी खेली थी और बिल्कुल वही उम्मीद फिर एक बार उनके समर्थकों की। और यह निशान की याद दिलाते और इस बार गेंद को खेला फाइनल के रीजन में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। टीम का स्कोर बनता है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। पिछले मुकाबले की बात करेंगे तो यानी कि पहले दौर का आखिरी मुकाबला जीता इस मैदान के ऊपर रवदीप भी बसा टीम ने और यह सेकंड राउंड का पहला मुकाबला इसके बाद में सेकंड राउंड का सेकंड मुकाबला होगा कापरी सिद्धि पालेगांव विपक्ष गावदेवी वसार के बीच होगा मुकाबला यानी कि एक तरफ रवि पाले मलंगड़ के विभाग के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और उसी तरफ उतने ही घातक बल्लेबाज मनीष पांड्या जो की ओपन क्रिकेट टीम में काफी बड़ी बल्लेबाजी दिखाता है और मनीष पांड्या देखने के लिए हमारे दर्शक कई दूर से इस मैदान के ऊपर आ चुका है और इस बार बढ़िया स्कोर लंगा ऑफ के रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे मगर गेंद को नहीं रोक पाया गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। के बल्ले से निकलता हुआ चौका बिल्कुल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ से बात करेंगे तो 27 रन बन चुका है तीसरा ओवर प्रगति पर है बिल्कुल बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर है। एक तरफ उसाटा टीम दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इस मैदान के ऊपर कोनी टीम है एक तरफ जाबाज है दूसरी तरफ जिगरबाज है जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच चलता हुआ कश्मकश भरा क्रिकेट बीच मैदान के ऊपर दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ ये रंगीन मुकाबला गोलस्पर्ट को ऊपर गेंद को फेंका इस बार अड़े बैट से खेलना चाहते थे ऑनसाइड के रीजन में बल्ला गेंद के संपर्क नहीं आया डरबा की समाप्ति टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ इस मैदान के ऊपर बात करेंगे तो 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर जो कि स्ट्राइकर पर बल्लेबाज टीम की इस समय अरुण टोमरे स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है हर्षद टोमरे सलामी बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान के ऊपर है यानी कि उम्मीद काफी होगी उनके इस कप्तान की यानी कि इस समय हम देख सकते हैं हर्षद टोमरे स्ट्राइकर के ऊपर है। शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे बिल्कुल दो खिलाड़ियों को बीट किया इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल 3 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता है वहां टीम का स्कोर है सिग्नेश क्रिकेट टीम का स्कोर है 31 रन यानी कि हम बात करेंगे तो यहां से मुकाबले की बात करेंगे तो 10.33 की औसत से रन बटोरते इस मैदान के ऊपर कोई टीम ने 31 रन जोड़ा काफी संख्या में दर्शक इस मैदान के ऊपर काफी स्टॉल देख सकते हैं आप वड़ा पाव स्टॉल जो कि हमारे कमेटी बॉक्स के सामने बिल्कुल हमारे घोड़गांव के दत्ता मामा उनका वड़ा पाव एक तरफ महेंद्र चिकलीकर उनका वड़ा पाव है दूसरी तरफ हम बात करेंगे अभिमन्य पाटिल तीसरी तरफ हमारे तुर्बे के मामा उनका भी वड़ा पाव है आज हमारे महेश पाटिल जो कि करोला का उनका भी वड़ा पाव है और दूसरी तरफ फेमस सरबत विश्वनाथ मडवी उनका भी है और उसके बाद यहाँ पर सबसे बात अच्छी बात करेंगे तो जो कि खाने की दावत की गई है दाल मुंडी चिकन पायस सब चीजें वहां पर रखी है रघुनाथ पाटिल एंड लक्ष्मण मडवी इनकी तरफ से आप देख सकते बिल्कुल जो कैमरामैन के पीछे जो उनका स्टॉल लगा है बिल्कुल आप जा सकते वहां पर काफी कम दाम में वहां पर आपको खाना मिलेगा। थैंक यू सर काफी स्टॉल भी आदेश पाटिल इस मैदान के ऊपर जो क्या मैं दर्शक काफी संख्या में खिलाड़ी काफी संख्या में जिस किसी को जो चीज खाना है वहां पे जा सकते हैं हर एक वड़ा पाव की आप टेस्ट लेना चाहेंगे तो बिल्कुल हर एक के साथ जाए और बिल्कुल एक एक वड़ा पाव खाए क्योंकि सबकी टेस्ट काफी बेहतर है। नंबर 1 वड़ा पाव यहाँ पर मिल रहा है जो सीएसके के मैदान के ऊपर और सबसे ज्यादा बात करेंगे तो दाल मुंडी काफी फेमस है रघुनाथ पाटिल जो की कुक है उनके हाथ की आप टेस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि काफी बेहतर टेस्ट उनकी भी है।
मगर दोस्तों चलते मैदान के ऊपर काफी दोपहर के चलता हुआ मुकाबला रविंद्र मडवी अंपायर की भूमिका में, रवि पाटिल एक तरफ यानी कि दोनों नाम के एक खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर है जिन्होंने क्रिकेट में काफी नाम कमाया बिल्कुल और पुरानी चावल जिन्हें कहा जाता है और इस बार दिन स्कूप खेलना चाहते थे सही टाइमिंग नहीं कर पाए हर्षद टोमरे के पारी का कोहली क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये झटका। तो बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की यानी कि ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर विकेट ली यानी कि 17 ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की इस मैदान के ऊपर। आदेश पाटिल काफी बड़ी जानकारी इस मैदान के ऊपर इसलिए तो हम गुलशन पाटिल का नाम लेते हमेशा और बिल्कुल हम जिक्र किया था कि आज हमारे जब शेष की ट्रॉफी होगी मैदान के ऊपर तो गुलशन पाटिल को लेके आएंगे बिल्कुल काफी अच्छा योगदान। नहीं बल्लेबाज आकाश टोमरे बीच मैदान के ऊपर है बिल्कुल काफी बड़े बल्लेबाज है और काफी उम्मीद है उनकी तरफ से भी जो कि अरुण टोमरे टीम के कप्तान है कई दिन से यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी काफी बेहतर रही थी बिल्कुल आज भी वही उम्मीद है मगर दूसरी तरफ शानदार गेंदबाजी उषा ने क्रिकेट टीम की ओर से और इस बार गेंद को खेला हवा में खिलाड़ी मौजूद और ये गेंद की बड़ा आसान सा कैच बिल्कुल ड्रॉप होता हुआ अरुण टोमरे का कैच यहाँ पे ड्रॉप पकड़ो क्या जीतो मैच ये क्रिकेट का समीकरण होता है और बिल्कुल बीच मैदान के ऊपर मौका बना था अरुण टोमरे का आउट करने का मगर इस बार खिलाड़ी ने गलती की और उसका नुकसान पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दो रन भी बनते हुए टीम का स्कोर कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ से 24 ऐसा खिलाड़ी बना जिन्होंने कैच ड्रॉप किया इस मैदान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से 33 रन चौथा ओवर प्रगति पर काफी अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल हमारे सतीश पाटिल जो कि स्कोर की भूमिका में उनका भी यहाँ पर आगमन होता हुआ जलपान के बाद यानी कि उन्होंने भी डाल मंडी का यहाँ पर टेस्ट लिया और ये गेंद स्ट्रेट आउट किया बॉल के ऊपर से गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के रिजल्ट में वहां पर खिलाड़ी मौजूद केवल सिंगल और एक रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 34 रन मध्य इस मैदान के ऊपर इक्का दुक्का के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है इक्का दुक्का के साथ टीम आगे बढ़ी इस मैदान के ऊपर कोहली क्रिकेट टीम जो पहले मुकाबले में बल्लेबाजी की थी वो बल्लेबाजी इस मुकाबले में नहीं देखने को मिली है इसका कारण हो सकता है कि गेंदबाजी बेहतर है और ये देखिए आकाश टोमरे ने बल्ला खोला तिलक रत्न दिलचांद की याद दिलाई और बिल्कुल गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 रन और 4 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ फुल स्कोर इस मैदान के ऊपर 38 स्कोर मौजूद 38 38 रन बनता हुआ चौथा ओवर प्रगति पर है। दो मुकाबले की बात करेंगे तीसरा और चौथा जो कि तीसरा मुकाबला था 45 रन बनाए थे पालेगांव ने और 40 रनों का टारगेट रखा था उसी समय वो मुकाबले में मात्र पर टीम रन नहीं बनाया था उसके बाद फिर एक बार 45 रन बने थे और मगर बसा टीम ने वो मुकाबला जीता था। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों बिल्कुल ये मुकाबला बीच मैदान के ऊपर 38 38 रन बनते हैं। क्लीन बॉल कदमों का इस्तेमाल किया शानदार गेंदबाजी आकाश टोमरे क्लीन बॉल और कोहली क्रिकेट टीम को ये लगता हुआ और एक झटका। तो बिल्कुल यहाँ पर आदेश पाटिल बात करेंगे तो काफी बड़ा मुकाबला और एक झटका लगता है बीच मैदान के ऊपर कोहली क्रिकेट टीम को टीम का स्कोर बता पा यहाँ से बात करेंगे 38 रन बन चुके 7 गेंदों का मुकाबला अभी भी बाकी इस मैदान के ऊपर टीम का स्कोर है इस समय 38 रन बनता हुआ इस मैदान के ऊपर। तो यहाँ पर सुधीर पाटिल भी यहाँ पर डाल मंडी की टेस्ट लेते हुए बिल्कुल सुधीर पाटिल की टेस्ट बताया कि बेहतर है
और फिर एक बार हम विनती करना चाहेंगे हमारे उसने की शाम दादा मात्र आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप आइए हमारे मंच के ऊपर। शामदा मात्र हमारा आवाज आपकी तरफ जा रहा है तो बिल्कुल आपको आना होगा क्योंकि बड़े हस्ती है बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर काफी प्यार है। और इस बार ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग क्योंकि 3 रन यहाँ से बचाते हुए टीम का स्कोर ओवर की समाप्ति 4 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त होता है। टीम का स्कोर है 39 रन। आदेश पाटिल का भी स्टॉल लगे बिल्कुल आना आओ देखे नाओ जो भी मिले उसे खाओ क्योंकि फ्रैंकी भी इस मैदान के ऊपर है। काफी बड़ा स्टॉल लगा आज 10-12 स्टॉल है बिल्कुल। एक तरफ चाइना वड़ा पाव एक तरफ आपला वड़ा पाव और एक तरफ फेमस वड़ा पाव और हमारे तुर्बे मामा की तो टेस्ट की बात ही बात कर रहे हैं। काफी बड़े वड़ा पाव यहाँ पर लग चुके हैं और इसी दरमियान हमारे शामदादा मात्रे उनका शुभ आगमन होता है। काफी बड़े हस्ती बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर काफी बड़ा प्यार है बिल्कुल और उनका शुभ आगमन होता बाद शाम दादा मात्रे आपका स्वागत है। सीएसके क्रिकेट टीम की ओर से आपका स्वागत है और बिल्कुल उसाटने टीम यानी कि उनकी टीम इस मैदान के ऊपर है बिल्कुल और उनका शुभ आगमन होता वाह टीम के यहाँ पर बनता हुआ 39 रन टीम का स्कोर 39 रन। अभी भी बात करेंगे तो मुकाबले की विकेट जा चुके अभी भी इस मैदान के ऊपर 4 विकेटे कमाने के बाद बिल्कुल कोनी क्रिकेट टीम ने 39 रन बनाया। आखिरी ओवर में काफी उम्मीद होगी यहाँ से 55 या 60 रन का टारगेट सेट करता है तो मुकाबला काफी बड़ा रंगीन हो सकता है क्योंकि एक तरफ है समीर जैसे दिग्गज बल्लेबाज और बिल्कुल यहाँ पर धनंजय हिलाल की पहली गेंद लॉकी गेंद को खेला एक सेकंड के रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद रोकना नामुमकिन यहाँ पर मुश्किल है। गेंद निकल चुकी है एक सेकंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बिल्कुल ऐसे बल्लेबाज 29वें बल्लेबाज है जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर चौके के साथ आगाज किया मैदान के ऊपर और 4 रन के साथ टीम का स्कोर बना 43 रन बन चुका है। दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ रंगीन मुकाबला बीच मैदान के ऊपर कभी कई संख्या में दर्शक इस मैदान के ऊपर है। काफी रंगीन मुकाबला मैंने पहले कहा था आदेश की यहाँ से 55-60 रन का टारगेट सेट होता तो मुकाबला काफी रंगीन देखने को मिल सकता क्योंकि एक तरफ समीर पाटिल जिन्होंने पिछले साल में 2 बाइक जीतने का कारनामा किया था और एक तरफ बिल्कुल बात करेंगे धनंजय हिलाल काफी बड़े बल्लेबाज है बिल्कुल और कोनी टीम की गेंदबाजी काफी ताकतवर है तो मुकाबला काफी रंगीन हो सकता है। ये गेंद बिल्कुल गोल्डन स्पॉट के ऊपर गेंद को फेंक खेला बिल्कुल खेलना चाहते थे उन शॉट के रिजर्व में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है डॉट बॉल की समाप्ति क्योंकि गोल्डन स्पॉट के ऊपर जब गेंदें पड़ती है तो बल्लेबाज को फुटबॉल का इस्तेमाल करना आना चाहिए बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल यहाँ से करते तो बिल्कुल आप गेंद को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। कड़ी कड़ी खेलने की कोशिश डॉट बॉल की समाप्ति टीम का स्कोर 43 लॉस ऑफ 4 विकेट 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन बन चुका है। आखिरी ओवर प्रगति पर और बिल्कुल ये गेंद अच्छी थी फिर एक बार धनंजय हिलाल अपने आप को रोकते हुए गेंद को भी बिल्कुल एक रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 44। काफी देर के बाद धनंजय हिलाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है एक ऐसे साल था यानी कि 2 साल के पीछे हम बात करेंगे तो बिल्कुल धनंजय हिलाल जो कि काफी आक्रामक गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाज को रोक लगाने की क्षमता रखते थे मगर इस साल काफी थोड़े आउट फॉर्म में चलने वाले हैं बिल्कुल मगर आज उनका फॉर्म इस मैदान के ऊपर देखने को मिल सकता है कोनी क्रिकेट टीम के सामने खेलते हुए बिल्कुल। और दूसरी तरफ कोनी क्रिकेट टीम जो कि इस साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है वो कोनी टीम इस मैदान के ऊपर अधीश पाटिल आज 8 टीम में मलंगगढ़ क्रिकेट विभाग की है यानी कि इस मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं धनंजय हिलाल फिर एक बार। अरुण टोमरे के लिए गेंद थी गुडलिन स्पोर्ट के ऊपर पहले मैंने कहा था कि बेहतर गेंदबाजी अरुण टोमरे खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहा है मगर इस समय आखिरी ओवर में जिसे कहा था कि स्लो ओवर में जो कि बल्लेबाजी बेहतर होती है मगर अब तक यहां पर सिंगल के साथ खाली हमने देखा इस मैदान के ऊपर 5 रन आए 4 गेंदों के ऊपर टीम का स्कोर है इस समय 44-44 रन। ये गेंद टैप करना चाहते थे बिल्कुल गेंद को खेलना मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन पूरा दूसरे रन की कोशिश अनिल डोपरी की कलेक्टिंग करा वहां पर मिला यहाँ पर फायदा
अपनी क्रिकेट टीम को, टीम का स्कोर है 46 रन, 40 रन बनते बाम। इसी दरमियान हमारे शंकुनाथ मडवी, इनका भी यहाँ पर आगमन होता है बाम। विनती की आप आइए हमारे मंच के ऊपर, शंकुनाथ मडवी आपसे विनती है कि आप आइए हमारे मंच के ऊपर, क्योंकि बस करके आप आ चुके हैं कंपनी से, तो आप आइए हमारे मंच के ऊपर। ये गेंद फिर एक बार गेंद को खेला, हल्के हाथों से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन, दूसरे रन की कोशिश, अनिल डोपरी फिर एक बार गलती दिखाते हुए, और बिल्कुल ये दूसरा रन मुकम्मल पूरा किया। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। पांच ओवर के बाद कोनी क्रिकेट टीम का स्कोर बनता हुआ 48 रन, 49 रनों की जरूरत बीच मैदान के ऊपर, यानी कि पांच ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 48 रन बना चुका है, और आप जीतने के लिए आने वाली पांच ओवर में 49 रनों की आवश्यकता। डीजे थैंक यू डीजे। तो इसी दरमियान हमारे मंच के ऊपर हमारे सम्माननीय श्याम दादा मात्र, जो कि क्रिकेट के ऊपर काफी लगाव है, काफी प्यार है, जहां भी प्रतियोगिता होती है उनका शुभ आगमन होता है। हमारे माजी उप सरपंच वसुदेव पाटिल, उनसे विनती करना चाहेंगे कि आप अपने शुभ हाथों से श्याम शेठ मात्र उनका स्वागत करें, जिनकी तरफ से हमारी कमेटी के लिए 2000 रुपए का डोनेशन आ चुका है, और बिल्कुल काफी बड़ा योगदान है हमारे, जो कि प्रतियोगिता काफी बड़ी है, 2000 रुपए का योगदान रहा उनकी तरफ से भी, उनका भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल हमारी प्रतियोगिता काफी बड़ी है, बिल्कुल इस साल तो पांच ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। पांच ओवर के बाद बात करेंगे तो यहां पर कोनी क्रिकेट टीम में 48 रन बनाया, 49 रनों का टारगेट, मगर उसके दरमियान मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला होगा, कपरी सिद्धि पाले टीम विपक्ष गाउदीवी वसार के बीच होगा मुकाबला। तो राकेश कपरी सिद्धि पाले टीम के कप्तान राकेश और वसार टीम के कप्तान रवि भाई रैन, दोनों से विनती होगी कि आप टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। अगला मुकाबला होगा बीच मैदान के ऊपर, बिल्कुल, और चलते हैं मैदान के ऊपर जहां से 49 रन का टारगेट जीतने के लिए रखा, और यह मुकाबला किस तरह से होगा जाने के लिए चलेंगे फिर एक बार ओमकार सेठी के पास। थैंक यू योगेश मडवी अलील मजा तमाम लाडके रसिकांचा सीएसके क्रिकेट संघ सिद्धी करोले आयोजित रामगी ग्रुप चषक 2017 चे अप्रतिम पर्व तुम्ही एन्जॉय करता। सेकंड राउंड ची पहिली मॅच तुमच्या बेटी सिटी है, सामना तुम्ही पाहता या ठिकाणी उसाटणे वर्सेस खोणी या दोन ब्लड संघामध्ये नाणेफेक जिंकली होती। उसाटणे टीम ने निर्णय घेतला अनिल डोपरीने क्षेत्ररक्षणाचा, पहिल्या सत्र मध्ये फलंदाजी करताना धावा कुठलेत या मैदानावरती तुम्ही पाहू शकाल 48 आणि 49 धावांचं टार्गेट मैदानावरती सेट केलंय। येणाऱ्या 5 षटकामध्ये विचार केला या ठिकाणी गरज आहे ती म्हणजे 49 धावांची। हॅलो, निश्चितपणे सेकंड राऊंडचा सेकंड सामना मैदानावरती असेल, गावदेवी बसार विपक्ष कापरी सिद्धी पाले टीम यांच्यामध्ये, कापरी सिद्धी पाले संघाचे संघनायक रतन मानेरकर तसेच आमचे रवी बायले या ठिकाणी येतात, तर मी श्याम शेठ माधुरे यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभांचे नाणेफेकी करावी। दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना मैदानावरती तुम्ही एन्जॉय करू शकता, बिग फाईट सामना, कापरी सिद्धी क्रिकेट संघाचे संघनायक त्या ठिकाणी, तर निश्चितपणे आपण पाहतो दोन्ही संघनायक उपस्थित झाले आहेत, आम्ही श्याम शेठ माधुरे यांना विनंती करतो। थँक्यू गिरीश, गोलंदाज तैयार होते, म्हणजे पहिला षटक सेकंड वरती डाव आता फलंदाज अजय भंडारी पहिला चेंडू वरती स्वतःचा परिचय देतोय या खोनी टीमला, दमदार सुरुवात चौकार। चार धावांनी आगाज केला मैदानावरती अजय भंडारी,
की स्कूटरीच्या मैदानावरती नाईट स्पर्धा झाली होती, पूर्णपणे स्पर्धा गाजवली होती. याच अजयनं मॅन ऑफ द सिरीज आपल्या नावावरती कोरली होती आणि एक विक्रम या डाव्या त्याच्या फलंदाजाच्या नावावरती आहेत. मध्ये त्याच फलंदाजाकडनं ज्या अपेक्षा होत्या त्या अपेक्षा पूर्ण करताना एक चांगला स्टार्ट मैदानावरती दिलाय उसाटणे क्रिकेट टीमला. गोलंदाज तयार. हा चेंडू वन्स अगेन तुम्ही पाहू शकाल अटॅकिंग मोड मध्ये चेंडू जातो फायनिकला बीट करून ओव्हर द लाईन सीमा चौकार. रजतमान आमचे शंकुनाथ मडवी यांचं देखील शुभ आगमन झालं, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. दरम्यान शंकुनाथ मडवी यांचं स्वागत केलं जाईल आमच्या अतिथी कक्षामध्ये. मी लव घरत रघुनाथ पाटील यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभाचं त्यांचं स्वागत करावं. एकदा टाळ उद्या अजयसाठी 100वा चौकार या स्पर्धेचा येतोय. अजयच्या बॅट म्हणा म्हणतो हा चेंडू कम बॅक केले गोलंदाजानं, समर इन फेकला होता. मग एक धाव नक्कीच त्या ठिकाणी येईल आणि स्ट्राईक त्या ठिकाणी रोटेट होईल. नक्कीच उसाटणे टीमची ताकद, नक्कीच ज्या गोष्टीची आम्ही वाट पाहत होतो त्यानं उसाटणे संघ खूप मोठा आहे. मग दोन टीम होत्या या गावामध्ये, आजमध्ये तो संघ एक होता आणि नक्कीच एकतेचं बळ तुम्हाला पाहायला मिळेल. नक्कीच अशीच एकता तुमची सतत टिकून राहो या आई भवानी क्षणी आपण प्रार्थना करू आणि तुम्हाला खूप सारं यश या क्रिकेटच्या वर्तुळी मिळो. नक्कीच या शुभेच्छा आमच्याकडे तुम्हाला दिल्या जातील. मध्ये या मॅच मध्ये बनवायच्या 49 खोनी टीम पाहिजे त्या धावा रोखते का उसरणे टीम समोर. गोलंदाज तयार होतोय या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल खूप वर्षाचा दांडग अनुभव अरुण ठोंबरे सेकंड मध्ये संकेत. हा चेंडू संकेत साठी बडा ग्रेट शॉट बॅक टू बॉलर. चेंडू जात डीप मध्ये अतिशय वेगाने आले लॉंग ऑफला हर्षद. नक्कीच धावा मिळतील त्या ठिकाणी एक आणि स्कोकर डबल फिगर मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. नक्कीच याच गावदेवी उसरणे टीमच्या माध्यमातून अनिल ढोपरी त्यांच्या सहकारी त्या स्पर्धेचे शिल्पकार सँडी हिलाल यांच्या माध्यमातून राजवीर चषक. नक्कीच एक मोठी स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल ग्रामीणचे 32 त्याचबरोबर सुरुवातचे ओपन संघ तुम्हाला पाहायला मिळतील. मॅन ऑफ द सिरीज साठी नॅनोगा फॉर ग्रामीण प्लेयर आणि शहरी संघासाठी एलईडी टीव्ही त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. नक्की टेनिस बॉलची एक मोठी नाईट रजनी तुम्ही अनुभवू शकाल उसरणे टीमच्या बाजूने. त्याचबरोबर ग्रामीण क्रिकेटचा डेचा वर्ल्ड कप तुम्हाला पाहायला मिळेल येणाऱ्या 14 जानेवारीला चंदूशेठ स्मृती चषक या नावानं खोनीच्या मैदानावरती. हा चेंडू अजयसाठी लेनचा विचार नक्कीच करावा लागेल. चेंडू लेक्सिक वर निघून जात आहे कारण फलंदाज आतमध्ये शिरले होते. अटॅक करायचा होता अजय भंडारी अर्थातच एबीला, म्हणजे त्या ठिकाणी एबी बीट झाला आणि धावपलकावरती धावा आतापर्यंत तुम्हाला पाहायला मिळतात. 10 आमच्या सोबत जॉईन झालेत आमचे सहकारी समालोचक आदेश पाडवी. त्यानंतर स्कोर गुलशन पाडवी मॅन फ्रॉम किरावली. नक्कीच प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेला लाभतो. मेहनत केली बंडीनं स्वप्नील बाळाराम मडवी त्याचबरोबर स्वप्नील पाटील विजय पाटील यांनी आणि स्पर्धा यशाच्या उंच शिखरावरती. हा चेंडू अजयसाठी व्हॉट अ ग्रेट शॉट वाघाची धाड खोदला पार चेंडू मिड विकेट सीमा पार षटकार. आपण जायचं त्या ठिकाणी आमचे नवनाथ मडबे असतील नाईट फर्स्ट करून आलेले आहेत. नाईट असो फर्स्ट करून जरी आले तरी क्रिकेटवरती योगेश किती प्रेम आणि किती सपोर्ट करतात आयोजकांना तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल. योगेश मडवी नक्कीच पिवनचा पहिला षटक कम्प्लीट झाला, कौतुक करेल अजय भंडारीचं. ज्यावेळी गावदेवी उसरणे टीम अनिल डोबरीचा संघ खेळायचा त्यावेळी खूप सारा प्रेशर असायचा अजयवरती. चांगला स्टार्ट देताना फलंदाज लवकर बाद व्हायचा, मग आज अजयवरती दडपण नाहीये कोणत्याही प्रकारचा तणाव नाहीये आणि कॅच चांगला फ्लाइंग स्टार्ट दिला मैदानामध्ये तुम्ही पाहू शकाल. नक्की जर येणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तुमच्याकडे चांगले फलंदाज असतील तर नक्की सुरुवातीच्या फलंदाजांना एक मुभा असते एक संधी असते बिंदास फलंदाजी करण्याची आणि ते चित्रामध्ये ती पाहायला मिळतं. संघाला धोका आणि गोलंदाजाला ठोका हा मनमंत्र त्या ठिकाणी वापरतो अजय भंडारी आणि पहिल्या षटकामध्ये तब्बल धावा एकवटल्यात म्हणजे 16 बनवायच्या होत्या 49. समीकरण तुमच्या समोर येणारे 24 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 33 करायच्या आहेत उसाटणे टीमला. गोलंदाज तयार होतो हर्षद ठोंबरी रफ्तार का राजा वेगवान गोलंदाज. हा चेंडू फ्रंट फुटला आले डान्सिंग डाऊन द विकेट व्हॉट अ ग्रेट शॉट अँड अ बिग हिट. चेंडू लॉंगला बीट करून वन बाउंस ओव्हर द लाईन सवकार.
थँक यू डीजी. स्वराज्याचे जनक छत्रपतींची संगीत नक्कीच तुम्ही सातत्याने ऐकताय. गोलंदाज हर्षद हा चेंडू हर्षदचा प्रेशरवंत बॉलला नक्कीच दडपण आलं होतं आणि या क्षणाला मध्ये कमबॅक करून दिला हर्षद टुमरीनं आपल्या टीमला. नक्कीच कोणी टीमला इंगणारा प्रत्येक डॉट बॉल नक्कीच मॅचकडे घेऊन जाईल. विजयाचं स्वप्न जाग होईल. स्वप्नांचा पाठला करताना मेहनत करावी लागेल. कारण असं म्हटलं जातं चेसिंग युअर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम डू कम ट्रू. स्वप्नांचा पाठला करायचं असेल तर त्यासाठी कार्य सुद्धा तसं करायला हवं. आणि हा चेंडू सेकंड चेंज ऑफ द पेस गतीवरिवर्धन व्हॉट अ व्हेरिएशन काही गोलंदाजी करतोय. खेळपट्टीचा पुरेपूर वापर होतोय. मागचा चेंडू ऑफस्टिकला फेकला. हा चेंडू लेग स्टिकवरनं काहीसा आत्मद्याला. गती थोडीशी कमी झाली आणि फलंदाज बीट झाले. संकेत पाडेल अंफाड गुणवत्ता आहे या फलंदाजामध्ये. येणाऱ्या फलंदाजांचा विचार केला समीर पाडेल सारखा एक परिपक्व नेष्टबल खेळाडू याच टीममध्ये. त्याचबरोबर धनंजयला तुम्ही पाहू शकाल, जयदासला पाहू शकाल. एक चांगली टीम तुम्हाला पाहायला मिळते. हा चेंडू लो फुल टॉस बॅक टू बॉलर. कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू ट्रॅव्हल होईल डीप मध्ये. एक धाव कम्प्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घातकी ठरेल आणि तेच झालं. गरज होती का त्या ठिकाणी सेकंड रन घेण्याची. रिक्स उचलली आणि रिक्स मध्ये धोका देते आहे. आणि या ठिकाणी जो धोका बनला होता कोणी टीमसाठी तो धोका टळलाय. आणि पहिला धक्का सांगिक यश या ठिकाणी कोणी टीमला. फलंदाज बाद अजय. स्वागत आहे उद्या कायमच्या गजरात अजय भंडारीचं. पाच चेंडूवरती 17 धावेची दमदार फलंदाजी एबीनं मैदानावरती साकारली आहे. तो फलंदाज जातो बाहेर आणि नवीन फलंदाज येतोय धनंजय हिलाल. गोलंदाज तयार होतो हर्षद. सेकंड मध्ये संकेत. हा चेंडू संकेत साठी आता मात्र पूर्णपणे संकेतला बांधून ठेवला. अनदर डॉट बॉल. सातत्यानं ते चित्र तुम्हाला पाहायला मिळतं. संकेत वरती कुठे काहीना मी मला विजय मिळवला. या ठिकाणी गोलंदाजी करताना अर्षद ठुमरीनं आतापर्यंत पूर्णपणे थांबून ठेवलं त्या फलंदाजाला. नक्कीच या षटकाची गरज होती. जर हे पिबंत षटक महागडे ठरलं असतं तर डॉमिनेट झाला असता कोणी टीम हे माहिती होतं हर्षदला. आणि जिंकण्याचं स्वप्न आणि सातत्य टिकवण्यासाठी ही ओवर मात्र चांगली केली जाते. नक्कीच सेकंड पॉवर प्लेचा षटक हातात हर्षद ठुमरे. हा चेंडू संकेत साठी. मिस्टर मिंगे क्षेत्रक्ष कुठे सरकले चांगला झेल पूर्णपणे टायांचा गजर. 11 खेळाडूंकडे तुम्हाला पाहायला मिळतोय. कारण झेल त्या प्रकारचा टिपला गेलाय आणि फलंदाज बाद होतोय संकेत पाडील. रयतीचा राजा झांडा राजा ना शक्तीसाठी ना स्वादासाठी माझा राजा लढला फक्त हिंदवी स्वराज्यासाठी. दोन ओळी काम लक्षात ठेवा. शिवरायांनी तुमचं भविष्य जाणलं. तुम्ही कमीत कमी त्यांचा इतिहास तरी विसरू नका. शिवचरित्र सतत्यानं डोळ्यासमोर ठेवा. नक्कीच तुमचं आयुष्य प्रगतीच्या पथावरती जाईल या तितकींची शंकाच नाही आहे. शिवरायांचं कार्य तसं होतं म्हणून आजही कुठे दूरवर छत्रपती शिवाजी महाराज की असा आवाज आला तलगटपणे हुडावरती जय असा आवाज नक्की तुमच्या हुडांमध्ये उमटेल. कार्य तसं होतं माझ्या जांदर राजाचं. 3 षटक्या मध्ये कम्प्लीट झाले. 2 षटक्या धापलकावरती धावा 21 बनवायच्या 49 अपकमिंग 18 डिलिव्हरीज रिमायनिंग 28 रन्स. येणारे 18 बॉल 28 धावेची गरज आहे धनंजय. चांगली मॅच आहे. नक्कीच एक चांगला संघर्ष मैदानावरती केला जातोय या ठिकाणी कोणी टीम कडनं. कारण पहिल्या ओव्हर मध्ये जरी धावा आल्या त्यांचा मध्ये कमबॅक करून दिलाय त्या ठिकाणी हर्षदनं. आणि आता गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय किरण मात्रे. नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये थोडीशी दुखापत झाली होती किरणला मध्ये तरी सुद्धा स्वतःच्या गावासाठी नक्कीच खेळ करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाला. एक गाव अकरा खेळाडू आणि त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी हजारोच्या गर्दीनं प्रेक्षक वर्ग मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात. नक्कीच आपल्या प्रेक्षकांसाठी आपल्या गावासाठी चांगली कामगिरी करावी लागेल. किरण मात्रेला 18 बॉल बनवायचे आहेत 28. अजूनपर्यंत सामना थोडासा लांब आहे. तर फलंदाजीसाठी धनंजय आणि समीर जर असेल तर धावा इझिली बनवेल उसाडणे टीम. हा चेंडू धनंजयसाठी. नक्कीच तुम्ही पाहू शकाल दुखापत होती या पायाला पूर्णपणे पेन झालाय.
तरी सुद्धा चांगली कामगिरी करतो. त्या ठिकाणी किरण जो प्रेक्षक वर्ग प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा युट्यूब वरती एन्जॉय करतोय, नक्कीच त्या सर्व ऑनलाईन प्रेक्षकांचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतोय. आयोजकांच्या वतीनं CSK क्रिकेट टीम कडनं ही स्पर्धा हे देखणं आयोजन नक्कीच इतिहासाच्या पानावरती सुवर्ण अक्षरावरती नाव कोरावा. नक्कीच अशा प्रकारची देखणी स्पर्धा मानाची सन्मानाची स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. रामकी ग्रुप चषक 2017 हा चेंडू धनंजय साठी या विमतलेन चुकीची आहे. चेंडू ऑफ सिक्सच्या बाहेर जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 या ठिकाणी लावला जाईल. गतवर्षी नियम कसे वेगळे होते, हा नियम क्रमांक 25 14 आता 1 ऑक्टोबर पासून नियमांमध्ये बदलाव झाला. आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल अतिरिक्त धाव त्या ठिकाणी लाभेल आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकती आहे. फलकावरती धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील 22 ऑन अ बोर्ड. फलंदाज बाद झाले आतापर्यंत अजय, त्यानंतर संकेत आणि धनंजय आणि समीर संघर्ष करतोय. हा चेंडू लोव फुल टॉस मिस टायमिंग चांगला झेल आकाश किरण जे जाळ रचलं होतं त्या जाळ्यामध्ये फसलाय आणि वाघाची शिकार झाली आहे. धनंजय हिलाल बॅक टू द पवेलियन. अतिशय चांगली चांगली संगीत डीजे मासेकडे येत आहेत. कपाळी केसरी गंध शिव छत्रपतींचा छंद मुखात एकच नाम घोष जगदंब जगदंब. नवीन फलंदाज येतोय मुकेश मडवी. यानंतर एक चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल गावदेवी बसा बनाम पालीगाव. हा चेंडू रिव्हर्स अटेंड करत होते लेग बिफोर विकेट अपील केलं होतं. अपीलामध्ये उत्साह चांगला होता. जरी अलीकडच्या काळात सोन्याचा भाव कमी झाला तरी या समीरच्या विकेटची किंमत खूप मोठी असेल आणि नक्कीच त्याच विकेटसाठी आता मध्ये प्रयत्न केला जाईल. किरण माते गोलंदाजाकडनं मध्ये समीरला बीट केला. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल नक्कीच मलंगड विभागातील एक आदर्श संघ तुमच्या डोळ्यासमोर येईल तो म्हणजे गावदेवी वसा. नक्कीच ज्ञानेश्वर दादाचा त्याचबरोबर रवी वायलीचा विकी मात्रेचा आदर्शचा सूरज दुधकरचा चंदन मडवीचा तो संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल वसा. हा चेंडू पॅडल स्वीप हलक्या आता चेंडूला फक्त टायमिंग केला दिशा दिली चुका झाल्या आकाशकडनं. चुकीला माफी नाही आहे. दोन धावा नक्कीच त्या ठिकाणी येतील आणि दोन धावेच्या मदतीनं धावपलक वेगाने पुढे सरकत स्कोर कार्डवरती धावा या क्षणाला तुम्ही पाहता. या म्हणजे 24 बनवायच्या 49 अजून पण अर्धा पल्ल्यामध्ये ती पार करायचं आहे. तो म्हणजे या उसरणे टीमला गोलंदाज तयार होतोय. किरण मात्रे ओव्हर द विकेट. हा चेंडू समीर साठी अर्धा बॅट न फाईन लिखला मोठा फटका. चेंडू टेनिस बॉलचा पडल्यानंतर जास्त बाउन्स घेत आणि नक्कीच त्या ठिकाणी त्याचाच फायदा उचलला क्षेत्ररक्षण करताना अमरनं आणि धावा मिळतील त्या ठिकाणी दोन स्कोर कार्ड पुढे सरकेल 26 धावा फलकाबादी तुम्हाला पाहायला मिळतील. आत्ता मात्र मॅच खूप चांगली होती आहे कारण प्रयत्न सातत्यानं सुरू ठेवलेत. नक्कीच जीवनात संकट आहे ना पार्ट ऑफ लाईफ आणि त्यांच्यावरती मात करणं आर्ट ऑफ लाईफ. नक्कीच त्या संकटांवरती मात करण्याचा प्रयत्न आणि काळाच्या पडद्या नेण्याचा प्रयत्न केला असतो या उसरणे टीमला गोलंदाजांकडनं. हा चेंडू यावेळी देखणार फटक्या म्हणजे चेंडू हवेमध्ये जास्त वेळ फ्लाय झाला संधी होती त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला विभीषणला सुद्धा होती चेंडू अडवण्यासाठी. म्हणजे चेंडू अॅक्युरेट खड्ड्यामध्ये आला आणि पडल्या तर जास्त बाउन्स आला चकवा देऊन चेंडू फरार होतोय सीमर्ष बाहेर 4 धावांसाठी. बारा बॉल आणि बनवायचे आता मात्र 19 18 चेंडू वरती बनले 30 12 बॉल वरती बनवायचे 19 दोन संघांना आपण कंपॅरिझन केलं ज्यावेळी गोलंदाजी करत होता उसाडणी संघ त्यावेळी 18 चेंडू वरती धावा कुठल्या होत्या 29 आता मात्र एक पाऊल पुढे मैदानी पाहायला मिळतोय या ठिकाणी.
या ठिकाणी प्रयत्न करावे लागतील फलंदाजी करताना. आता माझा समीप पाटील जी मॅचची गोल्डन विकेट आहे त्या समीपकडून खूप अपेक्षा असतील या ठिकाणी उसरणे संघाच्या समर्थकांना. 12 बॉल 19 धावांची मॅच आहे. नक्की समीरला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न एका बाजूने केला जाईल तो म्हणजे कोणी टीम कडनं पाहिजे सेकंड स्पेल मध्ये कोण येत आहेत. आय थिंक हर्षदचा वापर नक्कीच त्याकडे केला जाईल कारण हर्षद नक्कीच एक फायटिंग स्पिरिट आहे या खेळाडूमध्ये. आता जो म्हणजे फायटर फलंदाज मैदानावरती बाकी आहे उसरणे टीमचा समीर त्यानंतर नवीन फलंदाज आले मुकेश मडवी. एक अटॅकिंग स्टार्स मध्ये तुम्ही पाहू शकाल एक वेगळाच रवैया एक वेगळी शैली या फलंदाजाकडे तुम्हाला पाहायला मिळेल. नक्की स्टान्स खूप घाते क्या नक्कीच हा स्टान्स तुम्ही पाहू शकाल. नवापाड्याचा पिंटा जोशी जो टेनिस बॉल मधला एक मोठा खेळाडू आहे त्या फलंदाजाकडे या प्रकारचा स्टान्स तुम्हाला पाहायला मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी अपेक्षा असतील मुकेश कडनं गावदेवी उसरणे टीमला. 12 बॉल 19 धावांची मॅच आहे पाहिजे कोणता संघ आपला अस्तित्व टिकवतोय. हा चेंडू या कल्लींचा होता आपल्या भारतातील ब्रह्मास्त्र त्या ठिकाणी वापरला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्की चांगला कॉल केला मुकेश मडवीनं आणि या ठिकाणी धोका उद्भवू शकला असता. डेंजर एंडला येणाऱ्या फलंदाजाला एक धाव येईल. 11 बॉल 18 आतामध्ये बनवाव्या लागतील. काय क्रिकेट तुम्ही पाहू शकाल अप अँड डाऊन सातत्यानं तुम्हाला पाहायला मिळतात. स्टार्ट दिला अजयनं असं वाटलं मॅच लवकर ओपन करेल उसरणे टीम आता त्यानंतर कम बॅक करून दिला हर्षदनं आणि आता मात्र तोच हर्षद गोलंदाजीसाठी तुम्हाला पाहायला मिळतो. क्रिकेट आहे ज्याच्यामध्ये इंटरटेन तुम्हाला पाहायला मिळेल. हा चेंडू समी साठी वाट अ ग्रेट बॉल. समी पाटीलला शांत करणं म्हणजे मातीतून तेल काढण्यासारखं असेल. तेच कार्य कम्प्लीट केलं जात आहे कम्प्लिटली पूर्णपणे मैदानावरती थांबून ठेवला हर्षदनं या ठिकाणी उसाने टीमला. नक्कीच मॅच या ठिकाणी विन होतोय कोणी संघ नक्कीच हर्षदचा सिंहाचा वाटा असेल. सामना इझिली सोडणार नाही आहे कारण अजूनपर्यंत मॅच हरला नाही आहे उसाने संघ कारण समीर अजूनपर्यंत लढतोय आपल्या टीमसाठी. हा चेंडू फ्रंट फुटला लास्ट मोमेंटला लेट कट आणि धाव मिळेल फक्त एका धावीने फरक पडणार नाही आहे जास्त तो म्हणजे कोणी टीमला म्हणजे समीरला मैदानावरती थांबावं लागेल. लास्ट ओव्हर मध्ये सुद्धा मॅच फिनिश करू शकेल ही ताकद आहे फलंदाजाची. जेवढा मोठा संघर्ष तेवढा मोठा विजय असं मी सातत्याने सांगत असतो. जितनी बडी फाईट उतनी बडी जीत आणि जेवढी तुम्हाला मैदानावरती संकट येतील नक्कीच विजयाचा आनंद सुद्धा तेवढा चांगला साजरा करायला मिळतो आणि तोच आनंद साजरा केला होता खर्डीच्या मैदानावरती वसा टीमना. एक चेंडू 4 धावांची गरज होती षटकार दाखवला होता सूरज दूधकरना कोण विसरेल तो क्षण. हा चेंडू यावेळी तुम्ही पाहू शकाल हवेमध्ये फ्लाय झालाय आणि नक्कीच एक सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल आणि समीकरण सातत्यानं चेंज होत आहे. मॅच मात्र वेगळ्या रूपावरती येते आहे क्रिकेटचा थर्रार आणि क्रिकेटचा दर्जा स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी एन्जॉय करायला मिळत आहे आणि एका सिंगलनं फलकावरती धावा येतात 33 अजून मध्ये 16 धावा बनवायच्या आहेत. नक्कीच आकाश तुम्ही पाहू शकाल डीप मध्ये स्क्वेअर ऑफ द विकेट 400 रक्षक तुम्ही पाहताय या 300 रक्षक ऑन साइड ला तुम्हाला पाहायला मिळतात हर्षदच्या गोलंदाजीवरती. हा चेंडू क्लीन बॉल फलंदाज बाद च्या फलंदाजाकडनं अपेक्षा होत्या च्या फलंदाजाच्या जोरावरती विजयाचं स्वप्न पाहत होता हा उसटणे संघ आणि त्या फलंदाजाला टार्गेट केला क्लीन बोल्ड समीप पाटील बाद होतोय आणि बिग विकेट कॅरी करतोय हर्षद ठोंबरे. जबरदस्त संगीत येत आहेत कौतुक करेल आमच्या डीजे रॉकर्सचं. मग या मुमेंटला समीप बाद झालाय नक्की ज्या विकेटची गरज होती ती विकेट कॅरी करून दिली आहे. एकदा टाव द्या हर्षद ठोंबरे गोलंदाजीसाठी नक्की जबरदस्त कामगिरी त्या गोलंदाजाकडे पाहायला मिळते आणि आता मध्ये कोणी संघाचे समर्थक नक्की जास्त होप्स मैदानावरती पाहतात विजयाचं. मग नवीन फलंदाज येतो सागर पाटील अजून मध्ये मॅच संपली नाहीये त्यानुसारने संघ अजून हरला नाहीये प्रयत्न करावे लागतील सागरला. हा चेंडू सागर साठी बॅकफुटला बॉक्स क्रिकेटची आठवण करून देतो टॅप केलं चेंडूला चेंडू ट्रॅव्हल होईल शॉर्ट मिड ऑफ एक सिंगल येईल. काय गोलंदाजी केली हर्षद ठोंबरेनं कौतुक करावं तेवढं थोडं शब्द नाहीये कौतुकासाठी या गोलंदाजा करता कारण 2 षटक या गोलंदाजानं टाकली 9 धावा दिल्या आणि पहिल्या षटकामध्ये बाद केलं एका फलंदाजाला आणि या षटकामध्ये सुद्धा एक गोल्डन विकेट कॅरी केली. नक्की जो मॅचचा हिरो होता समीप पाटील त्याला बाद केला आणि फक्त 4 धावा दिल्या आणि मॅच मध्ये कम बॅक करतोय कोणी संघ. येणारे 6 बॉल जिंकण्यासाठी बनवावा लागतील 15 धावा.
सहा बॉल 15 ची मॅच आहे. नक्कीच भविष्य कोणाच्या हातामध्ये द्यावं, नक्कीच विकल्प असेल दत्ता ठोंबरे. खूप वर्षाचा दांडगा अनुभव या गोलंदाजाकडे आहे. नक्कीच स्वतःच्या रिदम वरती येताना तुम्ही पाहू शकाल. क्षेत्ररक्षक नक्कीच या ठिकाणी हळूहळू आपल्या जागेवरती जातात. पक्षी आपल्या घरडकडे चालले, सूर्य अस्ताला चाललाय. मग सूर्य अस्ताला जाताना आपल्या बरोबर कोणाला नेईल, कोणी टीमला किसट नेला, हे मोठं कोड असेल. सहा बॉल 15 धावा, बेस्ट ऑफ लक बुद्ध टीम. विल द मॅच, आय डोंट नो, आय डोंट हॅव एनी आस, बट आय से व्हेरी शुअरली मॅच इज व्हेरी हाय वोल्टेज. प्रयत्न करावे लागतील जिंकण्यासाठी सागर आणि मुकेश मडवीला. तर धावा रोखण्यासाठी सज्ज झालाय गोलंदाज दत्ता. हा चेंडू नक्कीच दडपणे गोलंदाजावरती. यू डोंट शो द प्रेशर गेम. जर तुम्ही दडपणाखाली खेळाल तर तुमचा नैसर्गिक खेळ साकारू शकणार नाही आहात. चेंडू ऑफसिक्स बाहेर, अवांतर धाव आणि लक्ष तुमच्या समोर पाहायला मिळतं. येणारे सहा बॉल आणि आता मात्र 14 धावा. अशाच प्रकारे धावा बनवायच्या होत्या. सहा बॉल 15 मात्र पडा टीमला. पालेगाव संघासमोर पहिला बॉल तेव्हा सुद्धा वाईट आला होता. पालेगाव संघासमोर लढताना योगेश मात्र होते मातेपाडा संघाचे स्ट्रायकर फलंदाज. मग त्याला बाद केलं होतं आणि धावा रोखल्या होत्या पालेगाव टीमनं. पाहिजे या धावा रोख या ठिकाणी कोणी संघ. हा चेंडू शॉटनपूल सक्सेसफुल. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा प्राण निर्माण केला आहे. चेंडू मिड विकेटला क्लिअर करून सी मार्श बाहेर. षटकार आणि संघर्षाचा फटका सागरच्या बार म्हणा. गमावलं हर्षद ठोंबरे ते टिकवून ठेवेल की गमावेला गोलंदाज. आता मध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला. साग पाटीलच कौतुक करेल. आल्या आल्या षटक्या रन डरकाळी फोडतोय हा उसाटणे संघाचा फलंदाज. मॅच क्लोज इट. हा चेंडू अजून एक मोठा फटका. उंची जास्त अंतर कमी. किरण चेंडू खाली आणि फलंदाज बाद. वन सेकंड मॅच टर्न झाली आहे आणि पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये थर्रार क्रिकेट पाहायला मिळतोय. मॅच मध्ये रंग आला, कलरफुल मॅच तुम्हाला पाहायला मिळतीय. कधी कम बॅक करतोय उसाटणे संघ तर कधी बॅकफुटला येतोय कोणी संघ. आणि जबरदस्त मॅच या दोन टीम मध्ये रंगताना तुम्ही पाहू शकाल. त्या ठिकाणी सीएसके क्रिकेट संघ आयोजित रामकी ग्रुप चषक 2017 या मोठ्या स्पर्धेच्या माध्यमातून. नक्कीच स्पर्धेचा 150 अर्थातच 150 150 फलंदाज बाद झालाय. आणि या ठिकाणी मॅच मध्ये गरज येणारे 4 बॉल 8 धावांची. आणि 7 धावा जरी आल्या तरी मॅच बनू शकेल सुपर ओव्हर मध्ये. हा चेंडू चांगला फटका. व्हॉट अ ग्रेट शॉट, अनदर बिग हिट. चेंडू शॉट एक सकमच्या डोक्यावरनं सीमा पार. गोळीच्या वेगानं चेंडू सीमारेषा फाडतोय. चौकार आणि लक्ष उरतंय ते म्हणजे 3 बॉल आणि 4 धावांचं. आणि या ठिकाणी शुभागमन झालंय हरिचंद्र भोईर या व्यक्तिमत्वाचं. स्वागत आहे आपलं या रंग मंचावरती. नक्की सत्ता मध्ये 3 बॉल 4 धावांची गरज आहे. 3 धावा आल्या तर मॅच सुपर ओव्हर मध्ये येईल. नक्कीच प्रेक्षकांना उत्कंठा लागली असेल सुपर ओव्हरची. तर कोणी संघ वाट पाहत असेल विजयाची. उस्ताडने टीम वाट पाहिली मोठ्या फटक्याची. चेंडू जातो डीप मध्ये. किरण दोन धावा बनवणं कठीण असेल. फेकी चांगली आली आहे मात्र त्या ठिकाणी कलेक्टिंग करताना थोडीशे बाजूला झाले आणि दोन धावा कम्प्लीट. आणि मॅच तुम्ही पाहू शकाल. वन सेकंड एक वेगळा टर्न घेतली आहे. एक वेगळ्या नागमोडी वळणावरती मॅच तुम्ही पाहू शकाल. नक्की जाता एक पाऊल जरी चुकीचं टाकलं गोलंदाजानं तर अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात येईल. या ठिकाणी कोणी टीमचं दोन बॉल धावा बनवायचे दोन काय मॅच झाली आहे. अंगावरती शहरा निर्माण करणारा हा क्रिकेटचा सामना या ठिकाणी तुम्ही पाहताय. गावदेवी उसाटणे वर्सेस मॅच तुम्हाला पाहायला मिळतीय. श्री गणेश क्रिकेट संघ खोणी या दोन टीम मध्ये हा अस्तित्वाचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. मी अगोदरच उल्लेख केला पक्षी आपल्या घरड्याकडे निघाले. सूर्य अस्ताला चाललाय आणि जाताना कोणाला सोबत घेऊन जाणार उसाटणेला की या ठिकाणी खोणी टीमला. येणारे दोन बॉल त्या प्रश्नाला उत्तर देतील. अपकमिंग टाइम विल से. नक्कीच काल सुद्धा असा सामना झाला होता आणि मॅच जिंकली होती दैसमोरी वर्सेस किरवली या टीम मध्ये. आणि किरवली संघाने गोलंदाजीच्या जोरावरती तो सामना जिंकला होता. मग या ठिकाणी दोन बॉल बनवायच्या दोन धावा. एक धाव सुद्धा चालू शकेल
मी तर म्हणेल या बॉल वरती एक सिंगल यायला हवी, तेव्हा मॅच एक वेगळ्याच वळण वरती. योगेश, राहुल, आदेश, त्यानंतर सुभाष, त्यानंतर साई आमचे समालोचक आज आमच्या सोबत आहेत. म्हणजे या किशल मुवमेंटला का जर टोकात चुकतोय, प्रेक्षकांचा बीपी हाय झालाय, समजत नाहीये एक्झॅक्टली की येणारा बॉल कोणत्या रस्ते खोलेल. हा चेंडू फ्रंट फुटला, आले आता दोन धावा बनू शकतील आणि या विजयाचा चौकार मुकेश मर्वी ऑन फायर. दोन चेंडूवरती दोन सलगचे चौकार आले आणि मॅच मध्ये जिंकून दिले मैदानावरती. या ठिकाणी कोणी क्रिकेट टीम विरुद्ध लढताना गाव देवसाने संघाला काय मॅच होती, 15 धावा कुठाशा होत्या आणि एका ओव्हर मध्ये 5 चेंडूवरती त्या धावा बनवल्यात. त्या म्हणजे या ठिकाणी कोणी टीम ना विजयाच्या लक्ष शुभेच्छा सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होतोय, तो म्हणजे या ठिकाणी उसाडणे संघ. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अष्टपैलू कामगिरी छान केली तो संकेत पाटील ठरतोय या सामन्याचा हिरो. मेगा फायनलच्या दिवशी अनिल डोपरी बरोबर सकाळी तुम्हाला 10:30 या ठिकाणी उपस्थिती दाखवायची. अजय दादा नक्कीच विजयाच्या खूप खूप शुभेच्छा पुनर्वसले टीमला. कोणी टीम हॅट्स ऑफ यू, हार्ड लक बॉईज, हरकत नाहीये. तुमच्या भावी वाटचालीसाठी तुम्हाला मी शुभेच्छा देतोय आणि सामनावीरासाठी आमंत्रित करतोय या ठिकाणी संकेत पाटीलला. हरिचंद्र भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी या ठिकाणी देतोय. नक्कीच व्यासपीठावरती शुभ म्हणून या वसा संघाचे संघनायक ज्ञानेश्वर दादा नक्कीच थोडेसे इंजर्ड आहेत, नक्कीच मध्ये या मॅच मध्ये नाही आहे तरी सुद्धा तुम्ही पाहू शकाल. खूप सारं प्रेम, खूप सारं शुभेच्छा आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी या वसा टीमला नक्कीच व्यासपीठावरती येत आहेत. नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये